माननीय आयुक्त अजित शेख साहेब यांच्या आदेशानुसार आजपासून आपण सर्व व्यापाऱ्यांना दोन प्रकारच्या नोटिसेस इश्यू करीत आहोत। यापूर्वी सर्व व्यापारी असोसिएशनची दोनदा आपण बैठक घेतलेली आहे। मी मुद्दामून हिंदीत बोलेन जेणेकरून जे मी बोलतोय ते व्यापाऱ्यांपर्यंत सुद्धा आपल्या माध्यमातून समजेल त्यांना। तो दो बार व्यापारियों के साथ माननीय आयुक्त साहब ने बैठक ली है। दोनों बार व्यापारियों से निवेदन किया गया है, उनको बताया गया है कि महानगर पालिका क्षेत्र में जितने भी व्यापारी लोग हैं उनके जो आस्थापना है, दुकान है, कारखाने हैं, उन्होंने सभी ने जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हुए हैं और माननीय शासन राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए हुए हैं उसके तहत सभी ने अपने आस्थापना के जो बोर्ड्स जो है वो मराठी में लिखना अनिवार्य है। मराठी में लिखते वक्त अदर भाषा में भी वो लिख सकते हैं, लेकिन मराठी में जो नाम लिखा है वो बड़े अक्षरों में होना जरूरी है। उसके साथ आप सिंधी भाषा, इंग्लिश भाषा ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन हर व्यापारी ने, हर दुकानदार ने अपना जो बोर्ड जो है वो मराठी में लिखना अनिवार्य है। जो व्यापारियों के साथ दो बार बैठक हुई है उसमें उन्होंने 26 जनवरी से पहले सभी दुकानों के बोर्ड मराठी में होंगे ऐसा हमको आश्वासित किया है, लेकिन हम जब शहर में घूमते हैं तो वो दिखाई नहीं दे रहा है कि मराठी में बोर्ड बंद रहे। तो मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करूंगा कि कृपया करके सभी ने सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हुए निर्देश के अनुसार मराठी में बोर्ड लगाना जरूरी है। ये एक बात हुई। दूसरी बात जो कि उसके लिए भी व्यापारियों के साथ दो बार बैठक हुई है, सभी व्यापारियों से निवेदन है कि आप जो भी धंधा बिजनेस कर रहे हो उसका ट्रेड लाइसेंस, व्यवसाय परवाना महानगर पालिका से लेना अनिवार्य है, लेकिन बहुत ही कम संख्या है जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस, व्यापार परवाना व्यवसाय लाइसेंस लिया हुआ नहीं। तो मैं सभी व्यापारियों से निवेदन करूंगा कि सभी ने अपना व्यवसाय जो भी कर रहे हैं, जो किसी का कारखाना है, किसी का दुकान है, किसी की हाथ गाड़ी है, उन्हीं सभी को महानगर पालिका से परवानगी लेनी है। और उसी लिए आज हमारी टीम के साथ माननीय आयुक्त ने जो निर्देश दिए हुए है उसके अनुसार सभी दुकानदार व्यवसायों को हम नोटिसेस इशू कर रहे हैं और हम उनको आह्वान करते हैं कि उन्होंने सभी ने महानगर पालिका के तरफ से जो अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो व्यवसाय के जो कागज पत्र लगेंगे, जो दस्तावेज लगेंगे, वो महानगर पालिका में सबमिट करके ट्रेड लाइसेंस लिया जाए। यस, ये जो ट्रेड लाइसेंस है उसके लिए हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों को, व्यापारियों को, नागरिकों को कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए हम वो ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसको कुछ टाइम लगेगा। तो इसीलिए मेरा अभी सभी व्यापारियों से निवेदन रहेगा कि हमारे लोग आने वाले हैं, आपको नोटिस देने वाले हैं, लेकिन वो नोटिस में कौन से पेपर देने हैं, कैसा लाइसेंस लिया है, ये लेना है, ये पूरी प्रक्रिया उसमें मेंशन की गई है। तो आपसे, आपके माध्यम से मैं सभी व्यापारियों से विनंती करूंगा कि सभी ने अपने दुकान के, आपके कारखाने के जो नाम फलक है वो मराठी में लिखे, और अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया हुआ है तो वो ट्रेड लाइसेंस भी जल्द से जल्द महानगर पालिका की तरफ से प्राप्त करें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।